चैनल अनिता शिक्षा पे बच्चों हम पढ़ रहे थे आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो चलिए अब हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे हमने थ्री नाइन्टी वन क्वेश्चन पहले दो वीडियोस में कंप्लीट किए हैं और आज इस वीडियो में बाकी के सारे क्वेश्चन मैं आपको कम्प्लीट कराने वाली हूँ मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे तो बी ए बी कॉम और बी एस सी पार्ट फर्स्ट के जो भी बच्चे इस कंपलसरी पेपर के लिए अपियर हो रहे हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इससे पहले भी मैंने दो वीडियो अपलोड किए हैं आपके इसी पर्यावरण शिक्षा के तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा ये क्वेश्चन इंग्लिश में हैं लेकिन अगर आप समझेंगे तो आप इनके हिंदी में भी आंसर्स कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर एनर्जी लॉस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज़ यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी लॉस होता है वो कितना परसेंट होता है तो बच्चों वो होता है आपका नाइन्टी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडियन ग्रास आर कॉल्ड तो इंडियन ग्रास जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है उनको सामना कहा जाता है एरिया अराउंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया इज टर्म्ड एज स्ट्रे एरिया तो जो एरिया वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन के पास होता है उसको हम स्ट्रे एरिया बोलते हैं एक्सटिंक्ट बर्ड ऑफ मॉरिशियस इज तो मॉरिशियस की जो लुप्त होती हुई जो पक्षी है वो है डोडो ये इन एंड इकोसिस्टम द फोटो सिंथेटिक प्लांट्स आर तो जो फो टो सिंथेटिक प्लान्ट होते हैं वो इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं वहीं से हमारी फूड चेन जो है वो शुरू होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर कॉजिस एटमोस्फेरिक पोल्यूशन तो इसका आंसर होगा सोलर रेडिएशन्स तो बी जो है वो इसका आंसर है नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्थ जून ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है पाँच जून को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ ऑल प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड डाई ऑल एनिमल्स वुड ऑल्सो डाई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ किस चीज़ की कमी के कारण अगर सारे पेड़ पौधे मर गए तो जानवर भी मर जाएंगे तो बच्चों वो ऑक्सीजन की कमी के कारण मरेंगे तो इसका ऑप्शन होगा आंसर जो है वो होगा बी ऑप्शन नेक्स्ट देखिए अल्ट्रा वायलट रेडिएशन फ्राम सन कॉजस दी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ओजोन तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि अल्ट्रा वायरेट रेडिएशन्स जो हैं जो कि सूर्य की बहुत तेज गर्मी के कारण होती हैं तो उसमें किस चीज़ का जो रिएक्शन होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है तो उससे ओजोन प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट अर्थ समिट 1992 नाइन्टी टू वॉज हेल्ड इन कहाँ पर हुआ था 1992 ध्यान रखिएगा अलग अलग ईयर्स के अर्थ समिट पूछते हैं तो ये 1992 का जो अर्थ समिट हुआ था ये हुआ था नैरोबी में ऑफ ऑक्सीजन इन फ्रेश एयर इज यानी कि जो ताज़ी हवा होती है जो हवा होती है कह सकते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है तो ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन होती है उसके अंदर। मेंटलिस्ट अपोजिंग तेहरी डैम इज तो वो कौन से एनवायरमेंटलिस्ट हैं तो वो है श्री सुंदर लाल बहुगुना जिन्होंने जो तहरी बांध है उसका ऑपोजिशन किया यानी उसकी विच रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ फूड क्रॉप्स तो इसका आंसर है ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति कॉर्बर्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तरांचल कॉर्बर्ट नेशनल पार्क जो है ये उत्तरांचल में स्थित है तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम और यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसमें से यूरेनियम है जो ये दिए हुए हैं ऑप्शन इनमें से वर्मी कॉम्पोस्ट इज़ प्रिपेयर बाय तो वर्मी कॉम्पोस्ट जो है वो किससे बनाया जाता है वो अर्थ वॉर्म से बनाया जाता है मेजर पॉलिटेंट बिहाइंड फेमस भोपाल ट्रेजिडी वॉस तो किस कारण से हुई थी भोपाल की जो त्रासदी थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन ये जो दिए हुए ऑप्शन सोलर एनर्जी मैन एफिशिएंसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन इनमें से आपको आंसर चुनना है तो इसका सही आंसर होगा सोलर एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स क्योंकि सोलर एनर्जी ही नेचुरल रिसोर्स है मीनामाटा इज अ पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज विच रिजल्ट्स फ्रॉम तो मीना माटा जो है वो प्रदूषण से होने वाली बीमारी है तो वो किस से होती है तो बच्चों वो जब इंडस्ट्रीज़ का जो पानी होता है जो गंदगी होती है उसके अंदर जो मर्क्यूरी होती है वो मर्क्यूरी जब उस गंदगी के साथ पानी में चले जाती है और वो दूषित हो जाता है तो उस जगह पे ये मीनीमाटा पोल्यूशन जो है वो होता है डिजीज़ हो जाता है वहाँ पर देखिए विच मेटल कपल पॉइजन द वाटर तो ये जो मेटल कपल्स आपको दिए हुए हैं सिल्वर गोल्ड ब्रास निकल मर्कुरी लेड कॉपर टिन इनमें से जो ऑप्शन सी है वो आंसर है मरकरी और लेड द जेट एरोप्लेन प्रोड्यूस अ नॉइज ऑफ नियरली तो जेट एरोप्लेन से होने वाली जो आवाज़ है वो कितनी होती है लगभग होती है वन एट्टी डी बी डेसीबल्सर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज फॉर्म इन दर नाइनटीन सेवेंटी फोर द द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट काम प्लेसिस मस्ट बी थर्टी डी बी थर्टी डी बी होनी चाहिए विच गैस कॉज भोपाल ट्रैजडी ये वापस रिपीट हुआ है कि भोपाल त्रासदी जो है वो कौन सी गैस के कारण हुई थी तो मिथाइल आइसोसाइट के कारण हुई थी एम आई सी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपल वर्किंग इन माइका माइकामाइन सफ़र विथ सिलिकोसिस तो माइका माइकामाइन्स में जो काम करते हैं लोग उनको सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है पर्किंग इन कोल्ड माइन्स सफ़र विद द डिजीज और जो कोल्ड माइन्स में जो लोग काम करते हैं उनको कौन सी बीमारी हो जाती है तो जो लोग कोल्ड माइन्स में काम करते हैं उनको ब्लैक लंग डिजीज जो है वो हो जाता है इट इज़ नाट द काज ऑफ लैंड पॉल्यूशन इन में से यानी कि पॉलीथीन सॉलिड वेस्ट माइनिंग और प्लांटेशन इनमें से कौन सा ऐसा एक तत्व है जो कि लैंड पॉल्यूशन नहीं करता तो प्लांटेशन नहीं करता क्योंकि अगर हम पेड़ पौधे उगाएंगे तो उससे पॉल्यूशन कभी नहीं होता द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज़ सी तो सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है वो बढ़ती जा रही है द कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन इज अब जो धरती के ऊपर जो पॉल्यूशन होता है वो पोल्यूशन जो है उसका क्या क्या कारण हो सकता है तो उसका डोमेस्टिक वेस्ट भी कारण हो सकता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस uh, भी हो सकता है एग्रीकल्चरल वेस्ट भी हो सकता है तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव एयर पॉल्यूशन कैन बी चेक्ड तो व्हीकलर पॉल्यूशन जो है वो कैसे चेक किया जा सकता है तो बच्चों इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी होगा क्योंकि बाय इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी ऑफ इंजेंस बाय यूजिंग सी एन जी एंड एल पी जी एस फ्यूल बाई मैंटेनिंग द इंजन प्रॉपरली तो तीनों ही इसके आंसर सही हैं तो इनसे हम पॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं वाहनों की पॉल्यूशन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कॉज ऑफ इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी डिजीज इन द सिटीज़ इज़ तो शहरों में जो ये जो सांस की जो बीमारी हो रही है उसका कारण क्या हो सकता है आपके ख्याल से द कॉज ऑफ़ इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी डिजीज इन दिटीज इज तो ये जो सांस की बीमारी हो रही है शहरों में इसका कारण मुख्य कारण क्या है स्मोक है क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर व्हीकल्स एंड फैक्ट्री स्मोक इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हाई वेलोसिटी विंड्स और डोमेस्टिक स्मोक तो इनमें से पहला जो है वो सही आंसर है व्हीकल्स एंड फैक्ट्री स्मोक्स के कारण मुख्य जो वायु प्रदूषण है वो हो रहा है विच इज़ द मोस्ट हेज़ार्डियस पॉल्यूटेंट इन निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉल्यूटेंट कौन सा है जो प्रदूषण करता है नॉइज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज स्मोक और डिटर्जेंट्स तो बच्चों रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं देखिए पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय पॉल्यूशन को किस चीज से कंट्रोल किया जा सकता है यूजिंग सी स्टॉपिंग न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस तीनों के द्वारा किया जा सकता है तो ऑप्शन डी जो है ऑल द अवर इसका आंसर होगा ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन रेन इज द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आपने सुना होगा कि एसिड ड्रेन के बारे में तो ड्रेन क्यों होती है क्योंकि जो एसिड ड्रेन है वो पानी के साथ सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिक्स हो जाता है जिसके कारण एसिड रेन होती है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज तो साउंड का डेसिबल होता है अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कितने डेसिबल पर आवाज़ होती है हवाई जहाज की जो जेट वाला क्वेश्चन आया था उसमें हमने पढ़ा था ना डी जो लिखा था उसको डेसिबल बोलते हैं तो ये इंटेंसिटी यूनिट ऑफ इंटेंसिटी है साउंड की नेक्स्ट देखिए द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट आर तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन सी गैसेज उत्तरदायी हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी है न, एनोट्री नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है और सी एफ एस भी है तो आंसर होगा ऑल दी अब तीनों ही उसके लिए उत्तरदायी हैं द मेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल इज ओजोन होल जो है वो कौन से केमिकल के कारण हो रहा है वो सी एफ एस के कारण हो रहा है यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन के कारण हो रहा है इसका फुल फॉर्म है देखिए वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस पी एम तो बच्चो एस पी एम का फुल फॉर्म है सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर तो इसका जो बी है ये इसका सही आंसर है नेक्स्ट देखिए विच इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी विदाउट एनी पॉल्यूशन तो ये जो निम्नलिखित दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा जिससे पॉल्यूशन नहीं होता तो इन फूड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और कोल तो इसमें से आंसर होगा आपका सन अमृता देवी पुरस्कार इज गिवन इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री की फील्ड में अमृता देवी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है नेक्स्ट देखिए द रन ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम द फार्म्स इन टू अ वाटर बॉडी कॉजेस तो क्या करता है ये एल्गल ब्लूम एंड डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर तो इसका ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट आंसर है मेन वाटर पॉल्यूटेंट इज मुख्य वाटर पॉल्यूटेंट निम्नलिखित में से बताना है आपको इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिटर्जेंट्स और अमोनिया और एस पी एम में तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इसका सही आंसर होगा ज नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट निम्नलिखित में से कौन सा नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है तो डी जी टी है हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शन आर देयर इन द एन्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स तो बच्चों इसमें चार चैप्टर्स और ट्वेंटी सिक्स सेक्शंस हैं तो इसको आप याद ही कर लीजिए कि कितने चैप्टर्स और सेक्शंस हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स यानी उन्नीस सौ छियासी का जो आ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर कितने ज्यादा सेक्शन और चैप्टर्स हैं तो छब्बीस सेक्शन है और चार चैप्टर्स हैं द डेंस ग्रीन बेल्ट ऑफ ट्रीज एट द रोड साइड्स ऑफ द सिटीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज कंट्रोल कौन सी हैं नॉइज पोल्यूशन। पोल्यूशन इज चेंज इन नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ तो पॉल्यूशन के कारण किस में बदलाव होता है एयर में भी होता है वाटर में भी होता है और सॉयल में भी होता है तभी इसका आंसर होगा ऑल द अबाव क्योंकि हमने सुना है ना कि प्रदूषण जो है वो वायु प्रदूषण भी होता है ध्वनि प्रदूषण भी होता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इनमें से बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा है तो ऑप्शन बी होगा ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा मिसिज वी मथाई वॉज अवार्डेड अ नोबल प्राइज़ फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इसके लिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए इनको जो ये अवार्ड है नोबल प्राइज़ ये दिया गया था वी मथाई को नाम भी याद कर लीजिएगा आप घुमा फिरा के भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आवर स्टेट बर्ड हमारा स्टेट बर्ड क्या है यानी कि हमारे राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है हम राजस्थान में रहते हैं और हमारा राज्य पक्षी है गोडावन जिसको हम बोलते हैं बस्टर्ड ज दूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्थ इन नाइनटीन नाइन्टी टू तो रियो डी जेनेरियो में ये हुई थी कॉन्फ्रेंस नाइनटीन नाइनटी टू में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज इड इन द ईयर कौन से साल में ये शुरू किया गया था तो ये नाइनटीन सेवेंटी फोर में शुरू किया गया था द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1986 ये सारे आपको अलग अलग लिख के एक पेपर पे याद कर लेने चाहिए भोपाल गैस ट्रेजडी ऑकर्ड इन द ईयर भोपाल गैस ट्रेजडी जो है वो 1984 में हुई थी ताजमहल इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन ड्यू टू मथुरा रिफाइनरी ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ड्यू टू तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसके कारण है वो इन्फ्रा रेड रेडिएशन के कारण है नेक्स्ट एसिड ड्रेन इज कॉस्ड ड्यू टू तो एसिड ड्रेन जो है वो किसके कारण होता है ये क्वेश्चन अभी भी हमने पढ़ा था यहाँ पर आंसर ये जो ऑप्शन सी है ये इसका सही आंसर है ये एस ओ एक्स और एन ओ एक्स जो है इसको आप एस ओ टू और एन ओ टू पढ़िएगा नेक्स्ट केवला देवी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन ये भरतपुर में स्थित है केवला देवी नेशनल पार्क श्री सुंदरलाल बहुगुना इज एसोसिएटेड विथ चिपको मोमेंट, चिपको मोमेंट से संबंधित हैं श्री सुंदरलाल बहुगुना ये नाम भी इम्पोर्टेंट है आपको याद होना चाहिए एवरी ईयर ऑन फिफ्थ जून वी ऑब्जर्व हम क्या ऑब्जर्व करते हैं पाँच जून को इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे न्यूट्रिएंट्स आर साइकल फ्रॉम पूल टू ऑर्गेनिजम्स एंड बैक टू द पूल इन तो ये इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो बायोजियो केमिकल साइक्लिन कहलाती है नेक्स्ट देखिए यू एन ई पी हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन वॉशिंगटन डी सी इसको भी आप याद कर लीजिए कि यू एन ई पी का मुख्यालय कहाँ पर है वो वॉशिंगटन डी सी में है ओजोन डिप्लेशन इज एसोसिएटेड विथ ओजोन डिप्लेशन किस चीज़ से संबंधित है ये स्ट्रेटोस्फीयर से संबंधित है यहाँ पर होता है नॉइज लेवल इज मेजर्ड इन डीबी ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना डेसीबल तो डेसीबल को डी बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन इज ड्यू टू थर्मल पॉल्यूशन जो है वो हीट के कारण होता है डिफॉरस्टेशन कॉजेस डिफॉरिस्टेशन किसके कारण होता है सॉइल ऑलूशन के कारण भी होता है डिक्रीज इन रेनफॉल के कारण भी होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी होता है तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज ऑफ डेजर्ट लोकेटेड इन राजस्थान इज तो राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है थार मरुस्थल है भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉस्ड बाय कौन सी गैस के कारण हुआ था मिसाइल आइसोसाइनाइड ये दो तीन बार आ गया क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया हुआ है इसको आप याद ही कर लीजिए एरोबिक ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन तो इसका सही आंसर होगा सेप्टिक सीवेज नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल इन निम्नलिखित में से फॉसिल फ्यूल कौन सा है ऑप्शन दिए हुए हैं कोल पेट्रोलियम बोथ और नन तो ये दोनों ही फॉसिल फ्यूल हैं कोल और पेट्रोलियम तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा बोथ डिग्रेडेबल मटेरियल आर विच डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा देर इज़ नो लाइफ ऑन मून एज देर इज़ नो तो क्यों नहीं है मून के ऊपर लाइफ क्यों नहीं है क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है देर इज़ नो वाटर ऑन मून क्योंकि जल के बिना तो जीवन होता ही नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक आर कार्सिनोजिक तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें से सही आंसर है हाइड्रोकार्बन्स द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वर्ल्ड इज सेल्यूलोज रेफ्रिजरेंट यूज इन हैवी रेफ्रिजरेटर्स इज तो जो हैवी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें जो रेफ्रिजरेट यूज किया जाता है वो होता है अमोनिया ऑप्शन डी आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अकारसिनोजन विच कॉज कैंसर ऑफ लीवर इज विनाइल क्लोराइड तो विनाइल क्लोराइड के कारण कैंसर होता है इसको भी आप याद कर लीजिए कि कौन सा कार्सिनोजन है जिसके कारण कैंसर होता है लीवर के अंदर तो लीवर के अंदर कैंसर होने का जो मेन है वो है विनाइल क्लोराइड इज इन द एटमोसफेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड मेकिंग इनकेपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन ठीक ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग का जो मतलब होता है वो फर्स्ट ही ऑप्शन में सही दिया हुआ है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ तो मैं आपको सीधा आंसर बता देती हूँ इंक्रीज़ हो जाता है जब धरती का तापमान तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है ठीक है ऑप्शनस भी आप देख लीजिए ये दिए हुए हैं यहाँ पे मोस्ट पावरफुल अल नीनो अटैक इन इंडिया इन द ईयर कौन से साल में हुआ था ये अल नीनो अटैक यह हुआ था 1997 से 1998 के बीच में देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ साइक्लोन इन उड़ीसा उड़ीसा में साइक्लोन की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है द एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज गिवन इन 1986. दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैन बी डन बाय कैसे कर सकते हैं पानी को कैसे बचाया जा सकता है सेविंग वाटर लिमिटेड एक्सट्रैक्शन रिफाइनिंग एंड री यूजिंग द वेस्ट वाटर तो इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं पानी को सुरक्षित रख सकते हैं कंजर्व कर सकते हैं एक्सीडेंट इन रशिया नाइनटीन एटी सिक्स हैपन इन कहाँ पर हुआ था ये चेनोबिल में हुआ था तो आंसर सी इसका सही आंसर है ओजोन होल इज निम्नलिखित में से ओजोन होल क्या है सही आंसर है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर लेयर यानी ओजोन ओजोन जो है की जो परत है वो पतली होती जा रही है झीनी होती जा रही है उसको हम ओजोन होल कहते हैं देर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंड स्लाइड इन तो आंध्र प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं लैंडस्लाइड उत्तराखंड में होते हैं आप इन चारों में सबसे ज्यादा जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया है वो है उत्तराखंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं अर्थ समिट टू वॉज हेल्ड इन अर्थ समिट टू जो है वो कहाँ पर हुआ था ये अब अर्थ समिट टू की बात हो रही है तो अर्थ समिट टू जो है वो जोहान्स वर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था सी एन जी इज सी एन जी क्या है तो सी एन जी का आपको फुल फॉर्म लिखना है सी एन जी का फुल फॉर्म है और सी एन जी जो है वो कंपोज नेचुरल गैस है फुल फॉर्म ऑफ सी एफ सी सी एफ सी का फुल फॉर्म है क्लोरो फ्लोरो कार्बन तो ऑप्शन जो बी है उसका सही आंसर है नेक्स्ट देखिए रिचर स्केल इज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक अर्थक्विक को मापने के लिए रिचर्ड स्केल का यूज किया जाता है राजेंद्र सिंह वॉज ऑनर्ड इन द ईयर टू थाउजेंड विथ किससे यानी कौन सा पुरस्कार उनको दिया गया था इनमें से उनको दिया था मैक्सेस से अवार्ड दिया गया था 2000 में मिस्टर राजेंद्र सिंह को इससे सम्मानित किया गया था नेक्स्ट देखिए द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल एंड वाटर इज ऑप्टिमम पीएच जो है मिट्टी का और पानी का कितना होना चाहिए मिट्टी का होना चाहिए फोर और पानी का होना चाहिए फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एयर पॉलिटेंट इन ऑटोमोबिल्ड तो इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है तो ऑप्शन डी जो है सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है देखिए द कंसिडरेबल पार्ट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रा वायल्ट रेडिशन ऑफ द सन डज नॉट रीच द अर्थ बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ ओ जोन डी होगा इसका आंसर दिश इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन A considerable part of harmful ultraviolet radiation of the sun does not reach the earth because of layer of किस चीज़ की लेयर के कारण नहीं पहुँच पाता ओजोन लेयर के कारण नहीं पहुँच पाता हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं वो धरती तक नहीं पहुंच पाती नेक्स्ट विच इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन तो इनमें से आपको बताना है तो वो है कोल फायर द फॉलोइंग इज अ साइलेंट किलर गैस कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड नेक्स्ट देखिए हार्मफुल जर्म्स इन वाटर कैन बी किल्ड बाय पासिंग गैस क्लोरीन प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम ऑब्जॉर्ब गैस कौन सी गैस ऐब्जॉर्ब करते हैं पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट इट इज डेंजरस टू लीव द इंजन ऑफ अ कार इन रनिंग कंडीशन इन अ क्लोज गैरेज बिकॉज ऑफ पॉइजनस गैस तो कौन सी पॉइजनस गैस होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसलिए इंजन को चालू करके नहीं छोड़ना चाहिए गैरेज के अंदर देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू इज टू प्रोटेक्ट दाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम हंटिंग डैम कंस्ट्रक्शन इन उत्तराखंड फेस्ड प्रॉब्लम ऑफ रीहेबिलिटेशन तो इसका आंसर है तेहरी डैम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स तो इसका डायरेक्ट आंसर में बता देती हूँ डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन तो इसका ऑप्शन सी जो है ये आंसर होगा विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड तो पहली तो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अलावा दूसरी बतानी है तो बाकी ये नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है सी एफ सी भी है मिथेन भी है तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम अ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज तो कौन सी गैस बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से ओजोन लेयर बचाती है इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर ओजोन गैस इज़ फाउंड तो कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जहाँ पे ओजोन गैस मिलती है तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है नेक्स्ट देखिए स्मॉल क्वांटिटीज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ओजोन आर समटाइम्स प्रोड्यूस्ड इन तो इसका आंसर बी होगा इलेक्ट्रिक स्पार्क्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। नेक्स्ट देखिए मिथेन गैस इज नॉट ऑपटेनड फ्रॉम इनमें से मिथेन गैस किस में से नहीं मिलती बोलेस में से नहीं मिलती केमिकल फार्मूला ऑफ फेरम टूवेल्व इज़ फेरम टूल्व का केमिकल फार्मूला क्या है सी एफ़ टू सी एल टू इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि फेरम ट्वेल्व का केमिकल फार्मूला क्या है सी एफ़ टू सी एल टू एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय पी पी एम विच स्टैंड फॉर प्योरिटी पर माइक्रोग्राम पी पी एम का मतलब होता है प्योरिटी पर माइक्रोग्राम देखिए सल्फर डाइऑक्साइड इज डेंजरस एयर पोल्यूटेंट्स एंड हार्म प्लांट लाइफ विथ चेंजेस इन द प्लांट इंडिकेट्स इट्स टॉक्सिक इफेक्ट तो आंसर होगा ब्लीचिंग ऑफ द लीव्स लेडर्ड गैसोलीन इन इंटरनल कम्बशन इंजन कॉजेस तो इसमें से सबसे ज्यादा होता है पोल्यूशन तो मोर पोल्यूशन डी जी टी एंड बी एच सी में एक्ट एज तो डी जी टी और बी एच सी किस तरह से एक्ट कर सकते हैं कार्सिनोजेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं

आंसर सी होगा इसका द एक्सीडेंट इन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आई सीतापुर जयपुर टू प्लेस ऑन कब हुआ था जयपुर में सीतापुर में ये एक्सीडेंट कब हुआ था ये हुआ था ट्वेंटी अक्टूबर टू नाइन में भोपाल गैस ट्रैजडी ऑकर्ड इन ईयर और भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी वो हुई थी नाइनटीन एटी फोर में द कॉज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन इज इनमें से थर्मल पॉल्यूशन का कॉज क्या होता है हीट होता है नेक्स्ट यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल एयर पॉल्यूशन इज ग्लोबल एयर पॉल्यूशन का मेजर कॉज क्या है इंडस्ट्रीज हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा है सहारा मरुस्थल नेक्स्ट देखें फ्लो ऑफ एनर्जी इन इको सिस्टम रिमेन्स यूनी डायरेक्शनल तो उसका ऑप्शन होगा ए आंसर होगा इसका नेक्स्ट देखिए द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन आर कौन कौन सी गैसेज हैं एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एन ओ टू एन एस ओ टू द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान इज राजस्थान का जो पक्षी है उसको क्या बोलते हैं उसको गुडावन बोलते हैं तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा राज्य पक्षी राजस्थान का है गोडावन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन कब मनाया जाता है ये पाँच जून को मनाया जाता है नेक्स्ट द स्टेट ऑफ द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान इस राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है वो है खिजड़ी द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन इलेवेंथ जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस ग्यारह जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओजोन डिप्रेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन सिक्सटीन सेप्टेम्बर द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस इन द दियर तो इस इनमें से एच टू एस है नेक्स्ट देखिए बायोडाइवर्सिटी रिमेन्स रिच इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑप्शन ए इसका आंसर होगा अर्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल यानी बीस अप्रैल को धरती दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद एनवायरमेंटल मूवमेंट्स तो सुनीता नारायण नहीं संबंधित है क्योंकि अमृता देवी अरुधंती रॉय और वंदना शिवा सब ने पर्यावरण के लिए काम किया है लेकिन सुनीता नारायण ने नहीं किया है डैम इज ऑन टेरी डैम कहाँ पर स्थित है ये क्वेश्चन हम वापस आया है ये भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है नेक्स्ट एन इंटरनेशनल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज इन डिसम्बर टू हेल्ड इन ये टू में रियो डिजेनेरियो ब्राजील में हुई थी ये डारा सेंचुरी इज इन डारा सेंचुरी कहाँ पर है राजस्थान में है नेक्स्ट देखिए केवला देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केवला देवी नेशनल पार्क भरतपुर में स्थित है नेचुरल हैबिटेट ऑफ गोडावन इज गोडावन का नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे है सैन ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है ये रनथम्बोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर में रनथम्बोर नेशनल पार्क स्थित है नेक्स्ट देखिए टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा इज लोकेटेड इन टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा कहाँ पर है एमपी में है टाइगर प्रोजेक्ट बांदीपुर इज़ लोकेटेड इन कर्नाटक टाइगर प्रोजेक्ट बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ फ़ॉरेस्ट मैनेजमेंट इज़ सिचुएटेड इन ग्वालियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ग्वालियर में स्थित है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन नैनीताल इन सबको आप लर्न कर लीजिएगा एक बार लिख के एक पेज के ऊपर पूरा अच्छे से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेट इन देहरादून एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग इज लोकेटेड इन कोयम्बटूर द वायरस कॉजिंग एड्स इज एड्स कौन से वायरस के कारण होता है एच के कारण होता है एच वायरस से एड्स होता है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है सिम्टम्स ऑफ एड्स आर एड्स के सिम्टम्स कौन से हैं डायरिया भी हो सकता है फीवर भी हो सकता है लूज ऑफ वेट भी हो सकता है तो ऑल द अबव सारे के सारे सिम्टम्स हैं ह्यूमन राइट्स वर प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इंडिया स्टैंड्स इन विच ग्रुप इनमें से इंडिया कौन से ग्रुप में स्टैंड करता है तो हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट के अंदर स्टैंड करता है द स्टडी ऑफ डिफरेंट साइड्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स ट्रेंड इज नोन एज डेमोग्राफी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय बर्थ रेट डेथ रेट और माइग्रेशन तीनों से होती है तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव नेक्स्ट विच डिजीज इज़ नॉट हेरिडेटरी इनमें से कौन सा डिजीज़ जो है वो आनुवानशिक नहीं है एड्स आनुवंशिक नहीं है लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज तो अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखें सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान द मैक्सिमम लिटरेसी परसेंटेज इज इन केरला सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको केरला में मिलेंगे द मेडिसिन टू कंट्रोल एड्स इज एड्स को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन बनाई गई है वो है ए जट टी द स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी परसेंटेज इज तो सबसे कम लिटरेसी परसेंटेज बिहार में है और सबसे ज्यादा लिटरेसी परसेंटेज केरला में है दोनों क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा बात करते हैं राजस्थान की द फीमेल लिटरेसी परसेंटेज इन राजस्थान इज फिफ्टी टू पॉइंट वन टू परसेंट वर्ल्ड एन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्थ जून इकोलॉजी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई ई हैकल ईकल ने सबसे पहले इकोलॉजी जो है इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था वेयर वॉज अटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन नाइनटीन 1992? 1992 में रियो डी जिनेरियो में हुई थी ये तीन चार बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवर स्टेट बर्ड हमारा राज्य पक्षी कौन सा है तो इनमें से हमारा राज्य पक्षी पस्टर्ड है वैसे हम इसको गोडाउन भी बोलते हैं वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज इंट्रोडीन केवला देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन भरतपुर इन राजस्थान इज राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है तो थार मरुस्थल है राजस्थान में भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑकर्ड इन दूस 1984 ऐटी फोर भोपाल ग्रह नाइनटीन ऐटी में हुई थी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स अटेंडेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम इन नाइनटीन तो इंदिरा गांधी ने इसको अटेंड किया था तो मिसेज इंदिरा गांधी नेक्स्ट देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस इनमें से ग्रीन हाउस गैस क्यों कौन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन सॉयल फर्टिलिटी इन जनरली रिड्यूस्ड बाई इंटेंसिव एग्रीकल्चर तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा फूड चेन कैन नॉट बिगिन विदाउट बिना किस चीज़ के फूड चेन शुरू ही नहीं हो सकती तो प्रोड्यूसर्स के बिना शुरू ही नहीं हो सकती नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यबल रिसोर्सेज इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ट्रीज फूड मोवमेंट इज कंसर्न विद चिपको मोमेंट किससे संबंधित है प्लांट कंजर्वेशन से संबंधित है डिफॉरेस्टेशन कॉजेज डिफॉरेस्टेशन किसके कारण होता है सॉइल ओल्यूशन के कारण भी होता है डिक्रीज इन रेनफॉल के कारण भी होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी होता है तो आंसर होगा ऑल द अबाव पॉल्यूशन इज ड्यू टू थर्मल पॉल्यूशन किसके कारण होता है हीट के कारण होता है यानी सोलह सितंबर को ओजोन डिप्रेशन डे मनाया जाता है देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिनेटी इन सॉइल वाटर लॉजिंग मस्कीटोज एंड मलेरिया तो सारे को सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ऑल द अबाव वॉज फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड तो नाइनटीन नाइनटी टू में पहला अर्थ समिट हुआ था चिपको मोमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द ट्री कौन से पेड़ से चिपको मोवमेंट शुरू हुआ था खेजरा, खेजरी से हुआ था जो खेजी गाँव में हुआ था फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज इंडियन इकोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है प्रोफेसर आर मिश्रा को कहा जाता है इको सिस्टम इज गिवन बाय इको सिस्टम जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था टेंसले के द्वारा दिया गया था पी एच सेवन शोज पी एच सेवन जो है उसका क्या मतलब होता है उसका मतलब होता है एसिडिक रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड सॉयल इरोशन सॉइल इरोशन यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है ऊपरी सतह पे वो उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है उसको सॉइल इरोशन कहते हैं हाईएस्ट रेनी स्टेट इन इंडिया इज सबसे ज़्यादा कहाँ बरसात होती है आसाम में होती है डिस्प्यूट ऑफ कावेरी रिवर वाटर इज़ बिटवीन कावेरी नदी का जो झगड़ा है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज इनमें से सोर्स कौन सा है एनर्जी का सबसे बड़ा वो है सन डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है जंगलों की जो कटाई होती है उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं और जंगल कम होते जा रहे हैं डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया Highest cereal प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज पूरी दुनिया में उगाया जाता है तो वो उगाया जाता है राइस नेक्स्ट देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी इज इनमें से फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है लाइट से टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर से केमिकल एनर्जी बढ़ती है तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी है नेक्स्ट देखिए गोल्ड ऑफ वेस्टलैंड इज गोल्ड ऑफ वेस्टलैंड क्या है रतन ज्योत मिनिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इज वन पॉइंट फाइव पी इसको भी याद कर लीजिए ट्रू फ्रूड चेन इज़ जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से सही फ्रूड चेन जो है वो कौन सी है तो पहले वाली है इंसेक्ट को फ्रॉक खाता है और फ्रॉक को स्नैक खाता है मेजर डिकम्पोनेंट्स ऑफ एन इको सिस्टम आर इको सिस्टम के मेजर डिकम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बायोटिक और ए बायोटिक दो तरह के मेजर कॉम्पोनेन्ट्स होते हैं इको सिस्टम के फ्लो इज इनमें से एनर्जी फ्लो कौन सा है तो किस तरह का होता है यूनी डायरेक्शनल होता है एनर्जी फ्लो नेक्स्ट देखिए माइक्रो कंज्यूमर्स आर माइक्रो कंज्यूमर्स कौन से हैं बैक्टीरिया भी माइक्रो कंज्यूमर है और फंजाई भी माइक्रो कंज्यूमर है तो इसका आंसर हो जाएगा सी जिसमें कि दोनों दिए हुए हैं तो बोथ ए एंड बी दोनों ही हैं तो बोथ ए और बी इसका आंसर होगा यानी सी हो गया इसका आंसर एलगे आर एल क्या है एल प्रोड्यूसर्स हैं फूड चेन इज फॉर्म्ड बाय फूड चेन किस चीज से बनती है शुरू होती है प्रोड्यूसर से शुरू होती है बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है इको सिस्टम डाइवर्सिटी ऑफ हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हैं हॉटस्पॉट्स बायोडाइवर्सिटी की नेक्स्ट देखिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एक्स टी यू कंजर्वेशन भी है और इंस टीयू कंजर्वेशन भी है तो आंसर हो जाएगा सी जिसमें बोथ ए एंड बी दोनों दिया हुआ है पार्क इज फाउंड इन डेजर्ट पार्क कहाँ पर आपको मिलेगा निम्नलिखित में से जैसलमेर में मिलेगा रेनफॉल इन ड्राई जोन इज ड्राई जोन में जो बरसात होती है वो कितनी होती है बिलो फिफ्टी सेंटीमीटर्स होती है देखिए हु गेव द टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दी थी बायोडाइवर्सिटी की टर्म बेंथम एंड हुकर ने दी थी नेक्स्ट मेजरमेंट यूनिट ऑफ नोइस इज नॉइज़ का मेजरमेंट यूनिट होता है डेसिबल एसिड ड्रेन इज कॉस्ड ड्यू टू एसिड ड्रेन किसके कारण होती है एस ओ टू और एन ओ टू के कारण होती है नेक्स्ट देखिए डेंजरस पॉल्यूशन इज डेंजरस पॉल्यूशन कौन सा होता है रेडियो एक्टिव है इनमें से एड्स इज कॉस्ट ड्यू टू एड्स किसके कारण होता है मल्टीपल पार्टनर्स के कारण भी हो सकता है इन्फेक्टेड ब्लड से भी हो सकता है इन्फेक्टेड नीडल से भी हो सकता है तो तीनों से हो सकता है तो ऑल द अब आंसर होगा नेक्स्ट द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर ऑकर्ड एट कहाँ पर हुआ था सबसे पहला ये चैनोबल में हुआ था न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन शुड बी एट अ प्लेस वेयर देयर इज नो इनहैबिटेशन इन एट लीस्ट विद इन कितने किलोमीटर में नहीं होना चाहिए टू किलोमीटर्स में नहीं होना चाहिए द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ग्लोबलाइजिंग द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वॉज हेल्ड एट स्टॉकहोम तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा देखिए द एटमोस्फेरिक अल्ट्रावाट रेडिएशन आर ऑब्जर्व्ड इन द जोन कॉल्ड ट्रोपोस्फियर ये भी बहुत बार आ गया क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बारी बारी नेक्स्ट द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चलिए बच्चों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएंगे क्योंकि क्वेश्चन दो तीन बार पहले भी रिपीट हो चुका है बाकी 601 से मैं नेक्स्ट वीडियो वापस से आपको अपलोड करूंगी जिसमें आगे के क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ेंगे तो आई होप ये आपको पर्यावरण शिक्षक के क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं और आपको कोई हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा कि आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में एंड शेयर टू योर मैक्सिमम फ्रेंड्स सो दैट देख कैन बी बेनिफिटेड थैंक यू हैव अ नाइस डे और आपके फर्स्ट ईयर के जो जनरल पेपर्स होने वाले हैं उनका हिंदी का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपका इंग्लिश और कंप्यूटर का भी अपलोड कर दूंगी तो प्लीज आप उनको भी देख लीजिएगा थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स